मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, जो सीरीज हमने ECG की स्टार्ट की थी उसमें आज हम बात करेंगे जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में। हमने लिम्ब लीड्स स्टार्ट की थी, लिम्ब लीड्स में से हमने बाईपोलर लिम्ब लीड्स को फिनिश कर दिया था और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में, यानी कि ऐसी लीड्स जिसमें एक पोल हो और जो कि लिम्ब्स में, यानी कि हमारे हाथ में और हमारे पैर में जो अटैच की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने बाईपोलर लिम्ब लीड वाली लेक्चर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिपोलर लिम्ब लीड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बाईपोलर जो लिम्ब लीड थी उसका थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लूँगा आपका। तो बाईपोलर लिम्ब लीड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम एक इलेक्ट्रोड जो था हमारा, मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें से एक पोल उसका या एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव वाला था उसको हम राइट हैंड से अटैच कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से, और नेगेटिव पोल जो था उसको हम उसके राइट हैंड से अटैच कर रहे थे, एक लेफ्ट हैंड से पॉजिटिव और राइट हैंड से नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा था, हमें इसमें एक एक्सिस मिल रहा था इस तरीके से, हमें ये एक एंगल मिल रहा था इस तरीके से, एंगल मिल रहा था यानी कि हम हार्ट को इस साइड से देख रहे हैं, ये हमें एक एंगल मिल रहा था। तो ये एंगल जो हमें मिलेगा, ये एंगल हमें मिलेगा 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब कहने का ये है कि हार्ट हमारा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैंने एक यहाँ साइकिल बनाया है और मैं यहाँ पे एक यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये हार्ट यहाँ बना दिया, इस तरीके से लोकेटेड होगा और यहाँ पे इस तरीके से चैम्बर होंगे और ये वेंट्रिकल हो गया और ऊपर हमारा एट्रियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका सेंटर पार्ट हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट। तो ये जो यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारे इसका एक्सिस जो है, ये लीड हमारी कौन सी हो गई, ये लीड हमारी लीड वन बन रही थी, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो लीड वन हो गई और इस लीड वन को हम ऐसे करके अगर नीचे लेके आऊँ तो ये इस तरीके से एक्सिस बनाएगा, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए लीड वन को तो इस तरीके से इसमें एक्सिस बनेगा, यानी कि ये जो लीड वन है ये हमें ये एंगल दे रही है। हार्ट को हम इस साइड से देख रहे हैं, मेरे पास ये हार्ट है इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये हार्ट ऐसे करके रखा हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से साइड से देख रहा हूँ, लीड वन हमें ये एंगल दे रही है। ठीक है, तो लीड वन से हमें कौन सा एंगल मिल रहा है, लीड वन से हमें एंगल मिल रहा है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइन आएगी यहाँ से, तो हमें लीड वन से जो एंगल मिल रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री का, किससे, लीड वन से। ये बाईपोलर लिम्ब लीड की बात कर रहा हूँ मैं, दो पोल हैं इसमें 1, 2। ठीक है, 0 और यहाँ पे 180 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लीड वन एंगल बना रही है वो बना रही है हमारा 0 डिग्री का, यानी कि हम इसे, अगर हम मैं कहूँ कि हार्ट को हम किधर से देख रहे हैं तो इधर से हमें ये वाला एंगल इसका मिल रहा है, हम इस अपनी आई से हार्ट को अपने इस साइड से देख रहे हैं। ठीक है, एक एंगल हमें मिल गया। दूसरी हमने लीड्स कैसे बनाई थी, हमने दूसरी लीड ऐसे बनाई थी, हमने ये गैल्वेनोमीटर लिया था, इसका एक पॉजिटिव पोल था, इसका एक नेगेटिव पोल था, पॉजिटिव पोल को हमने जोड़ दिया था इससे लेफ्ट लेग से और नेगेटिव पोल को हमने जोड़ दिया था इसके राइट हैंड से, समझ रहे हो आप। तो हमें क्या एंगल मिल रहा था, तो हमारा एक्सिस क्या होगा इसका, इसका एक्सिस इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका एक्सिस बनेगा और हमें एंगल कौन सा मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था एक्सप्लोरिंग जो इलेक्ट्रोड होता है, जो देखने के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है, जो हमें एंगल दे रहा होता है, वो एंगल दे रहा होता है हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिस साइड पॉजिटिव एरिया होगा उसका सिरा होता है वो हमें एंगल दे रहा होता है, हमें जिस साइड भी अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वहाँ से हमें एंगल मिलेगा। तो इसमें जो ये इस तरीके से एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से अगर लूँगा हार्ट की तरफ तो ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा, समझ रहे हो आप, जैसे इसमें इस तरीके से बन रहा था, और अगर मैं इस एंगल को ऐसे ले जाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि लगभग आप मान के चलें तो ये बनाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बना रहा है हमारा एंगल 60 डिग्री का, ये बन गया हमारा 60 डिग्री। तो हमारी जो लीड टू है ये हमारी कौन सी लीड बनेगी, लीड सेकंड। तो जो हमारी लीड सेकंड है ये हमें 60 डिग्री का एंगल दे रही है
और हमें कौन सा व्यू मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से हम हार्ट को देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से हम हार्ट को ऐसे में देख रहे हैं, ठीक है, ये एंगल में। अब बात करेंगे लीड थ्री की, तो लीड थ्री में क्या था हमारा, गैल्वेनोमीटर लिया हमने, ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव वाले को हम जोड़ रहे थे कहाँ से, नेगेटिव को हम जोड़ रहे थे इसके लेफ्ट हैंड से, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम जोड़ रहे थे इसके लेफ्ट लेग से। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे तो एक्सिस हमें कौन सा मिलेगा, तो हमें ये इसका एक्सिस मिल रहा है, ठीक है, ये हमें इसका एक्सिस मिल रहा है, सॉरी इस तरीके से देख सकते हैं, यू में एक्सिस मिलेगा, तो हमारा एंगल ये इस तरीके से रहेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस तरीके से अगर मैं ले जाऊँगा, ठीक है, ऐसे ये ले जाऊँगा एक्सिस को, तो ये बनेगा हमारा यहाँ से लगभग 120 डिग्री पे, कितने पे बनेगा 120 डिग्री, ठीक है, कितना बन रहा है 120 डिग्री, और इस तरीके से हम यहाँ से इसको देख पा रहे हैं 120 डिग्री के एंगल में हमारी आई से, यानी कि हम इधर से देख पा रहे हैं हार्ट को, इधर से देख पा रहे हैं हार्ट को, और इधर से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बाईपोलर लिम्ब लीड के बारे में, जो कि एंथ्रोवेंस ने दिया था, और इससे एक ट्रायंगल भी बन रहा था जिसको हम बोल रहे थे एंथ्रोवेंस ट्रायंगल, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा था उसको हम बोलेंगे एंथ्रोवेंस ट्रायंगल, तो एंथ्रोवेंस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे। तो इसमें ये लीड हमने बात कर ली, दो पोल हैं इसके अंदर, ये लीड वन हो गई, ये हमारी लीड टू हो गया, ये हमारी लीड थ्री हो गई, ये लीड कौन सी हो गई, थ्री लीड, थर्ड लीड हो गई, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें कितने एंगल मिले इसमें, अभी तक हमें जो एंगल मिले वो मिले एंगल, एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिला, एक एंगल ये मिल गया, तीन एंगल हमको मिल गए। लेकिन अभी भी हार्ट को अगर हमें पूरी तरीके से देखना है तो अभी भी इसमें बहुत सारे एंगल बाकी हैं। मेरे को अभी अगर मैं कहूँ मेरे को यहाँ से भी एंगल चाहिए, मुझे यहाँ से भी देखना है, ठीक है, मान लीजिए हार्ट में अगर इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें इन थ्री लीड से नहीं पता लग पाएगा, कुछ ना कुछ हम मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इस कमी को देखते हुए एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, 1931 में एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था गोल्डबर्गर, ठीक है, गोल्डबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो तीन एंगल ठीक है भाई, अब मुझे क्या है, मुझे एक एंगल यहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से भी देखना है, ठीक है, मुझे एक एंगल यहाँ से भी देखना है, मुझे एक इधर से भी देखना है, ठीक है, तो मुझे थ्री एंगल और चाहिए इसके, उन्होंने कहा साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने इस एंगल को देखने के लिए क्या करा, उन्होंने और लीड्स बनाई, जैसे ये हमारी लीड वन है, ये टू है, लीड थ्री है, ये तो हमारा एंथ्रोवेंस साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको दिया। अब गोल्डबर्गर जो है हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बनाया ए बी एफ, ए बी एल और ए बी आर, ये इसे बोलते हैं हम ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, इन्होंने इसका क्या किया, इसका आविष्कार किया। अब ये ऑगमेंटेड लिम्ब लीड क्या है और इन्होंने कैसे बनाया उसके बारे में हम अब बात करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड बनानी थी उन्हें, तो उन्होंने उन्होंने क्या करा, अब हम इसमें बात कर रहे थे यहाँ पे दो पोल हैं, हमने बात करी कि इसमें ये जो हमारी लीड है इसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये यूनिपोलर कैसे हो सकता है, तो यूनिपोलर कोई लीड नहीं होती है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, ये बाईपोलर लीड को हम मॉडिफाइड करेंगे, हम बाईपोलर लीड को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, ताकि इसमें जो पोटेंशियल हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ना, तो इसका पोटेंशियल अगर हम जीरो कर दें और इसको ऑन दें, मान लीजिए ये ऐसा मान के चलिए कि एक प्रकार से हमने जो नेगेटिव पोल है उसको ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से, वो किसी भी प्रकार का कोई वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर इस पोजीशन को हम किसी भी तरीके से कर दें तो इससे क्या बनेगा, हमारा यूनिपोलर लिम्ब लीड्स बन सकती है। तो इसमें दोनों लीड्स काम कर रही थी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करते हैं हम। इसको उन्होंने किस तरीके से मॉडिफाई किया, इन्होंने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया,
गोल्डबर्गर ने, देखो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लिम लीड, ये इन्होंने लीड, ये हमारा गैल्वेनोमीटर लिया, पॉजिटिव पोल तो चलो उसका ठीक है, इन्होंने क्या किया लिम इस नेगेटिव पोल को, ठीक है जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको क्या किया तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक एक को राइट लेफ्ट हैंड से जोड़ दिया, एक को इससे जोड़ दिया राइट हैंड से, और इसका एक पार्ट जोड़ दिया इस तरीके से लेफ्ट लेग से, तो यहाँ पे क्या बन रहा है एक प्रकाश का, तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बन गया। तो अब ये तीनों सेम है, तो अगर ये बीच में इन तीनों के जो ट्रायंगल बन गया तो इसके बीच में जो टोटल इन्हें पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा ज़ीरो, ठीक है। तो इनके बीच में जब टोटल पोटेंशियल ज़ीरो हो गया तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन आप मान सकते हैं कि कोई भी वोल्टेज गेन नहीं कर रहा है, तो एक प्रकार से कैंसिल हो गया। तो इसमें सिर्फ फिर कौन सा इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम कर रहा है। तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अगर मैं इधर जोड़ दूँ, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मैं यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ भी जोड़ सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिपोलर लिम लीड का, इसमें ये वाला तो वर्क कर रहा है और ये वाले को हमने ज़ीरो कर दिया मॉडिफाई करके, ठीक है। अब क्योंकि बिल्कुल हार्ट जो है, एक तो एक ट्रायंगल पूरी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी होती है, ठीक है, और हार्ट भी पूरी तरीके से सेंटर में इसके लोकेटेड नहीं होता है। तो इस कमी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, इसके बीच में क्या किया, इनमें इसमें क्या किया, इन्होंने रेजिस्टेंस लगा दिया 5000 ओम का, 5000 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इस रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ, ये इसमें जो है जो इसमें कमियां हो रही थी उसको इन्होंने पूरी तरह से ठीक कर दिया, ताकि इसमें जो पोटेंशियल हमें प्राप्त हो नेगेटिव वाले में वो ज़ीरो प्राप्त हो, ठीक है। तो उस जब वो ज़ीरो हो जाएगा और तो पॉजिटिव पोल हमें से भी इसका वर्क कौन सा वाला पोल कर रहा है, वो कर रहा है पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन या पोल काम कर रहा है। तो ये एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं यूनिपोलर लिम लीड, क्योंकि इसमें एक ही पोल काम कर रहा है, वैसे वो है तो बाईपोलर ही, लेकिन ये मॉडिफाइड बाईपोलर है जिसको हम यूनिपोलर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यूनिपोलर है इसमें, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि ये हमारा एडजस्टमेंट है, तो इन्होंने क्या किया, अब इसका एक नेगेटिव पोल है, इसको एक को नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया, एक नेगेटिव इसका यहाँ जोड़ दिया। चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ उसको सही से, ठीक है, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ सही से। ये इस तरीके से, ये ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा इस तरीके से एक नेगेटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया, ठीक है। नेगेटिव को इन्होंने थ्री में डिवाइड किया, एक तो यहाँ से अटैच कर दिया, एक यहाँ से अटैच कर दिया, और एक यहाँ से अटैच कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको अटैच कर दिया, तो इसमें जो टोटल पोटेंशियल होगा नेगेटिव वाले में ज़ीरो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इस पॉजिटिव को अटैच कर दूं, किससे, लेफ्ट लेग से, मैंने पॉजिटिव वाले को लेफ्ट लेग से अटैच कर दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव को अगर मैं लेफ्ट लेग से अटैच कर दिया तो ये लीड बनेगी हमारी वी एफ, ठीक है, यानी कि वी से क्या हो गया, वी डिनोट करता है वोल्टेज को और एफ यानी फुट, ये फुट के साइड में यानी लेफ्ट फुट में, फुट के में लगी हुई है क्योंकि राइट में तो अर्थ का लगा होता है, तो ये डिनोट कर रहा है बी एफ को यानी कि वोल्टेज ऑफ फुट, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने इसको तो ज़ीरो प्राप्त कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला लगे तो हमें एंगल जो हमें मिल रहा है देखने के लिए वो कौन सा एंगल मिलेगा। अब क्योंकि इसमें एक्सिस तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता था ऐसे एक्सिस बनता है, ऐसे बनता, तो ये कहाँ देख रहा है, बिल्कुल एकदम सीधा देख रहा है, इस तरीके से सीधा इसका एक्सिस रहेगा, यानी कि अगर मैं इसको एक्सिस को इस साइड से लाऊं तो हार्ट को हम क्या देख रहे हैं, एकदम नीचे से 90 डिग्री एंगल पर देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ से हम हार्ट को देख रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब यहाँ पर ये तो ठीक है पॉजिटिव पोल लगा दिया,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो लेकिन क्या हो रहा था कि वोल्टेज कम आ रही थी, वोल्टेज क्या हो रही थी, कम आ रही थी। तो उसको वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ताकि हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मैग्नीफाई करके हार्ट में जो होने वाली प्रॉब्लम है उसको देख सकें, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस नेगेटिव पोल को हटा दिया, नेगेटिव पोल को हमने हटा दिया, एक को हटा दिया इसमें से, और एक पॉजिटिव हमने यहाँ जोड़ दिया, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया। तो जब इस चीज़ को हमने कन्वर्ट किया तो इसको हमने क्या कर दिया, इसकी जो पावर है उसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब ऑगमेंट किया उसको, ठीक है, ऑगमेंट किया, संवर्धन किया उसका। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, कौन सी लीड बोलते हैं, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड इसका नाम पड़ा, और इसलिए इसको बोलते हैं ए, इसके आगे लगता है ए डिनोट करता है ऑगमेंटेड को, बी वोल्टेज को, और एफ फुट को, लैग को, ठीक है। तो ये हो गया ए बी एफ, कौन सी लीड हो गई, ए बी एफ। तो ए बी एफ में किस तरीके से हमारा वो बन रहा है, इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे हमने नेगेटिव अटैच किया, यहाँ हमने नेगेटिव अटैच किया, यहाँ लगा दिया पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा लीड, कौन सी लीड हो गई, ए पी एफ, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स कहाँ की, फुट की, और जो हमें एंगल देंगे देखने के लिए आई का, वो इस तरीके से होगा, हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, हम क्या है, यहाँ से ए बी एफ कहाँ लगी हुई है हमारी, ए वी एफ, तो ए वी एफ हमें कौन सा एंगल दे रही है, 90 डिग्री का एंगल दे रही है, तो हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉजिटिव 90, और ये हो गया हमारा नेगेटिव 90 डिग्री। तो हमारा जो हमें आई का वो मिल रहा है देखने के लिए, वो कौन सा आई ये मिल रहा है, ये वाला एंगल मिल रहा है, हम हार्ट को नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर इस तरीके से, ठीक है। तो हमें एक एंगल ये मिल गया, अब हम साइंटिस्ट को जी यहाँ से भी एक एंगल चाहिए, एक यहाँ से भी एक एंगल चाहिए, तो क्या होगा, अगर मैं क्या करूँ, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव पोल यहाँ लगा दूँ, एक नेगेटिव यहाँ लगा दूँ, एक नेगेटिव यहाँ लगा दूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो हमें ये एंगल मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये लीड कौन सी हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पोल कहाँ लगा हुआ है हमारा, राइट में, राइट हैंड में, तो ये हो जाएगा ए बी आर, कौन सी लीड हो जाएगी, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड कौन सी हो जाएगी, आर, राइट साइड वाली। तो यहाँ से जो अब ये यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो हमें कौन सा एंगल देगी देखने के लिए हार्ट को, अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ से ये एंगल हमको मिलेगा, ये हम हार्ट को इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, ये हमारा एंगल है, और ये बनेगा हमारा माइनस 150 डिग्री पे। तो हम हार्ट को क्या है, यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आई है, और यहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक एंगल इस तरीके से मिल गया। अब क्या करा मैंने, अगर मैंने क्या करा देखने के लिए, तो ये हो गया, ये हमारी लीड कौन सी हो गई, ए बी आर, राइट हैंड पे लगी है, और ये हो जाएगी हमारी 30 डिग्री पे दे रहा होगा हम एंगल, -30 पे, ठीक है, ये -30 पे दे रहा होगा, ये हो जाएगी हमारा ए बी एल, कौन सी लीड का एंगल है, ए बी एल का। तो हमें क्या हो गए, 6 एंगल मिल गए हमें, ठीक है, कितने मिल गए, 6, एक ये हो गया 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, एक एंगल हमें ये मिल गया देखने के लिए, हार्ट को देखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम हार्ट को यहाँ से नीचे की ओर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंगल बन गए, ये साइकिल बन गया। तो हमारा ऑगमेंटेड लिम्ब लीड या यूनिपोलर लिम्ब लीड हम किसको बोल रहे हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि हम इसमें क्या करेंगे, जो यूनिपोलर लिम्ब लीड है वो मॉडिफाइड क्या है, बाईपोलर लिम्ब लीड है, बाईपोलर लिम्ब लीड को ही हमने मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। मॉडिफाइड कैसे किया है, कि नेगेटिव जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें हमें जो वोल्टेज हमें गेन हो या प्राप्त हो वो हमें जीरो हो, ताकि जीरो प्राप्त होगी, ताकि उससे फिर हमें क्या हो, फिर हमें एक ही पोल मिलेगा, एक ही पोल वर्क करेगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे यूनिपोलर, ठीक है। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड में हमारे कौन कौन सी लीड मिली, ए बी एफ, ए बी एल और ए बी आर। तो अभी हमारी कितनी लीड्स हो गई, टोटल 6 लीड हो गई, और ये 6 लीड कौन सी है, हमारे लिम्ब्स के लिए है। तो जो लिम्ब्स की लीड्स थी हमारी वो अब क्या है, फिनिश हो गई। अब आप कहोगे कि इसमें क्या, इसका रीज़न क्या है 6 लीड, एक तो मैंने बताया आपको एंगल मिलेंगे, अलग अलग एंगल देखने के लिए, अगर यहाँ कोई दिक्कत होगी
सेप्टल एरिया में तो इससे, यहाँ होगी तो इससे, ठीक है। हम हार्ट को जो है पूरा नीचे से इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, सब जगह से हमें जो है, ठीक है, देख रहे हैं वर्टिकली हम जो है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल व्यू होता है इसका और एक वर्टिकली। तो ये जो सारा व्यू है हमें, ये वर्टिकल व्यू मिल रहा है, हम पूरी इस तरीके से देख रहे हैं उसको। और हॉरिजॉन्टली अगर हम देखना है तो उसके लिए फिर जो है प्रीकॉर्डियल लीड या चेस्ट लीड की बात हम करेंगे। 12 लीड मैंने इसी जी बताया था आपको, 12 में से मैंने 6 लीड जो है ख़त्म कर दिए। अब ये इसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट लीड के बारे में, जो हमारी लीड चेस्ट पे लगाई जाती है, ठीक है, चेस्ट लीड के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा यूनिपोलर लिम्ब लीड या ऑगमेंटेड लिम्ब लीड। यूनिपोलर क्यों मैंने बता दिया कि एक ही पोल है इसमें, एक को हमने ज़ीरो कर दिया है, ठीक है, मॉडिफाइड करके। और ऑगमेंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने जो पॉजिटिव पोल है उसकी पावर को हमने बढ़ाया है, मैग्नीफाई करा है, ताकि वो ज़्यादा वोल्टेज गेन करके ज़्यादा अच्छा हमें इसका व्यू दे सके, इसलिए हमने उसको कहा ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ठीक है। और इसको ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स को किसने दिया था, कौन साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्गर ने, ठीक है, डॉक्टर गोल्डबर्गर ने। तो ये हमारा लेक्चर जो यूनिपोलर लिम्ब लीड पे था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करें, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिएगा, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आता है तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियोस देखते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।